हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप ठीक। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चॉक कैसे चेक कर लेते हैं देखेंगे। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चॉक है, ये दोनों सही है कि नहीं इसको अभी तक चेक नहीं किया हमने, इसको चेक कर लेते हैं। सीरीज चेस्ट लैम्प के ऊपर ही चेक कर लेते। तो जो चॉक रहता है ना उसको डायरेक्ट चेक नहीं करते, उसको सीरीज चेस्ट लैम्प के ऊपर ही चेक करते। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। ये पुराना चॉक है, इसको आप चेक कैसे कर लेते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले कैमरा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ। सीरीज चेस्ट लैम्प के ऊपर ही आपको ये चेक करना है, डायरेक्ट चेक नहीं करना है। हम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सीरीज चेस्ट लैम्प के ऊपर ही आपको ये चेक करना है। दोस्तों ये एक चॉक है, इसको देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। ये इसका मेन वायर है, देख लेते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चॉक चेक करना हो ना तो आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये दोनों साइड है उसको, ये देख लीजिए यहाँ पे इसको पुराना चॉक है। इसको भी मैं एक नॉर्मल सा आपको एक कटर लेना है, इसको यहाँ पे कट कर देना है। इस तरह से दोनों साइड को निकाल देंगे, ये देखिए यहाँ से भी निकाल देंगे। ये चौक का जो है एक साइड है और ये एक साइड है, इसको भी अच्छी तरीके से कट कर लीजिए आप। बस तो नॉर्मल है ये, चौक चेक करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। पर आपको अच्छी तरीके से देखना है, वो सीरीज चेस्ट लैम्प के ऊपर ही इसको चेक करना है। ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको चौक चेक करना है तो ये दोनों साइड, ये देखिए ये चौक का एक साइड है, एक साइड वायर है और ये एक साइड, ये दोनों साइड होल्डर पर जाते हैं ना, एक साइड होल्डर का जाएगा और ये दूसरे साइड होल्डर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों वायर है ना, ये देख लीजिए ये दोनों वायर को, ये देखिए ये जो वायर है दोनों दोनों का आपको ये इधर एक यहाँ पे ऐसे जॉइंट मार दीजिए और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर। उसके बाद ये दूसरा वायर, दूसरे वायर को भी ये अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे जॉइंट मार देना है और इस तरह से आपको ये प्रेस। उसके बाद ये देखो दोस्तों, ये हो गया जॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो मेन वायर है, ये चौक का मेन वायर है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ये चौक सही रहेगा ना दोस्तों तो यहाँ पर जो बल्ब है ना वो ब्लिंक हो जाएगा, मतलब चालू बंद चालू बंद हो जाएगा। सही रहेगा तो, सही नहीं रहेगा तो वो चालू नहीं होगा। तो एक बार अच्छी तरह यहाँ पे आपने जॉइंट मार लिया, ये भी जॉइंट कर दिया, अभी आपको यहाँ पे उनको चेक करना। तो ये देखिए दोस्तों, सीरीज टेस्ट लैम्प मैंने तो दोस्तों सीरीज टेस्ट लैम्प ले लिया मैंने, ये देख लीजिए। ये देखो ये जो बल्ब है ना ये ब्लिंक हो रहा है, देखो दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये जो है ना यहाँ पे आपको ये बल्ब ब्लिंक हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर एक जो वायर है ना ये यहाँ पे लगाना है और दूसरा यहाँ पे लगाना है। ये देखो दोस्तों ये बल्ब है ना, ये देखो ये बल्ब चालू है अभी, ये आपको दिख रहा है ना ये बल्ब चालू है, ये देखो बल्ब चालू है। और अभी ये मैं सीरीज टेस्ट लैम्प का वायर ये देखो यहाँ पे मेन कनेक्शन में लगा है, ये देखो तो ये नहीं चालू है। इसका मतलब ये चौक दोस्तों ख़राब है। एक बार आपको फिर दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए ये अभी बल्ब जल रहा है, देख लीजिए ये बल्ब जल रहा है अभी। ये देखो ये मेन कनेक्शन है चौक का, इसको मैं लगा रहा हूँ, ये देखो बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये चौक ख़राब हो गया है, ये चौक को हमको फेंक देना है, ये चौक टोटली खराब है। अभी उसको दूसरा चौक चेक कर, ये चौक को तो साइड में रख देते हैं हमें, देख लीजिए। ऐसा दोस्तों एक बार चेक कर लिया आपने ना, इसके बाद आपको इसको साइड में रखें क्योंकि ये वेस्ट है। इसके बाद ये दूसरा चौक को ले लेते हैं, इसको भी मैं खोल देता हूँ। ये देखो ये जो है ना ये मेन लाइन है, सबसे पहले मेन लाइन को इसको नहीं, इसका तो वायर निकाल के रखा है मैंने पहले से ही। तो ये वीडियो है ना आप अच्छी तरीके से फुल वॉच कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये स्किप करके देख लिया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि लाइट का जो काम रहता है ना उसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये चौक का मेन लाइन है आपको दिख रहा है, ये चौक का मेन लाइन, और ये जो एक वाइट कलर है ना और ये एक ब्लैक कलर है, ये जो जाएगा ये साइड होल्डर में जाएगा, ये दूसरे साइड में जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग अच्छी तरीके से निकाल देते हैं, इसके अंदर से वाइट को दोनों वायर को सेपरेट कर देते हैं
तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया और इसको और इसको भी वायर थोड़ा सा इसको निकाल दिया इसका वायर। तो सेम प्रोसीजर मैंने पिछले जो चौक दिखाया था आपको ना, इसको ऐसे ये देखो, ये भी दो वायर है ना, इसको भी आपको जॉइंट मार देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जॉइंट मार देंगे, उसके बाद इसको इस तरह से ये कर दीजिए। उसके बाद इस वायर वाइड वायर को भी सेम, वाइड वायर को भी आपको सेम इस तरह से आपको ये जॉइंट मार दिया। ये देख लीजिए ये वाइड वायर है, ये चौक का वाइड वायर है, इसको भी मैंने जॉइंट मार दिया। और ये जो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गाड़ियाँ बहुत जा रही है, इसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रहा आपको। और ये देख लीजिए दोनों चौक का वायर मैंने जॉइंट मार दिया। अभी ये जो मेन कनेक्शन है ना, ये देख लीजिए ये मेन कनेक्शन, इसको मैं सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर चेक कर लेता हूँ। बल्ब जलेगा तो ये चौक सही रहेगा दोस्तों। बल्ब जल रहा है इसका मतलब चौक सही है, बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब चौक खराब। तो अभी मैं सीरीज टेस्ट लैंप कहता हूँ, ये बल्ब है आपको दिख रहा है, ये बल्ब की आपको रोशनी दिख रही है दोस्तों, ये बल्ब की रोशनी दिख रही है, इसका मतलब ये टेस्ट लैंप तो हमारे सही है। अभी चेक कर लेते हैं चौक। ये देखिए एक वायर को यहाँ पे आपको लगाना है और दूसरे वायर यहाँ लगाना है। दोस्तों ये देख लीजिए ये भी चौक सही नहीं है, ये भी चौक खराब हो गया, ये भी दोनों चौक का, ये जो चौक है ना दोस्तों ये ओल्ड ही था चौक, मेरे पास उसको चेक करना था, ये कस्टमर का था वो ट्यूबलाइट का था, तो उसको कस्टमर को मैंने निकालना था, इसकी वजह से वो ये चौक को मेरे को चेक करना था। दोस्तों आपको भी मैंने दिखाया ट्यूबलाइट का चौक कैसे चेक करना है। और दोस्तों ये सिर्फ टेस्ट लैंप के ऊपर ही आपको चौक चेक करना है, नहीं तो डायरेक्ट चेक आप नहीं कर सकते। टेस्ट लैंप भी सिर्फ टेस्ट लैंप कैसे बनाते हैं ना, ये भी मैं वीडियो आपको एक बार दिखाएगा, प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर, तो आपको दिखाएगा कि सिर्फ टेस्ट लैंप कैसे। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ऐसे चौक आपको चेक करना है। तो दोस्तों ये दोनों ट्यूबलाइट चौक है ना पूरी तरीके से खराब हो गया। ये कस्टमर का जो पुराना ट्यूबलाइट रहता है ना, जो अभी कैसे एल ई डी ट्यूबलाइट है, पुराना ट्यूबलाइट का जो चौक रहता है ना, उसको मैंने चेक किया था कस्टमर, ये दोनों ख़राब है। कस्टमर ने दोनों ट्यूबलाइट नया लेके गया है, पर अभी ये ओल्ड चौक के क्या होता है, इसका प्राइस 250 रुपीज़ तक प्राइस इसका रहता है, 250 रुपीज़। और उसके बाद उसका ट्यूबलाइट जो रहता है ना, उसको शायद 50 रुपीज़ रहेगा, मतलब वो 300 तक मुझे हो जाएगा। तो कस्टमर को क्या मैंने बोला 300 से आप इतना का ये पैसा खर्च करते हैं, तो आप एक नया ट्यूबलाइट ले सकते हो 250 रुपीज़। इसकी वजह से कस्टमर ने आपकी 250 रुपीज़ का ट्यूबलाइट लिया। दोस्तों आपने देखा होगा ये ट्यूबलाइट चौक कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ये सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर ही चेक करना है, ऐसे आप चेक नहीं करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।